दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ICP के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का एक कॉइन है मशहूर ICP, इंटरनेट कंप्यूटर। और ये अभी इतना लो चल रहा है तो ये इन फ्यूचर कब हाई पर जाएगा, और जिन लोगों ने इसको बाय कर रखा है हाई प्राइस के ऊपर, उन लोगों को अब क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, और ये इतना लो कब तक रहेगा, और ये इतना लो है तो क्या इसे अभी बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इन सब बातों को मैं कर दूंगा क्लियर। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। अगर बात करें ICP कंप्यूटर के बारे में, तो जी हाँ, ये जो है पिछले साल यानी कि 2020 के अंदर मई जून पर अपने हाई लेवल पर था। यहाँ तक कि इसका जो प्राइस था वो यहाँ पर 50,000 के भी ऊपर तक गया था, इंडियन रुपीज़ यानी 50,000 और जो है $700-600 के लगभग ये यहाँ पर जो है सोल्ड हुआ था। इसके बाद में यहाँ पर इसका प्राइस लगातार गिरता ही जा रहा है, और आज की यहाँ पर जो करंट अपडेट है उसके अंदर इसका प्राइस मात्र 2200 से 2000 के बीच में जो है यहाँ पर घूम रहा है, आसपास $22 के आसपास ही जो है घूम रहा है। इंडियन रुपीज़ के अंदर तो 1600 तक जो है नीचे आ चुका था इसका प्राइस, और अभी जो है 1700-1800 के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पर जो प्राइस है इसका वो लगभग जो है 2000 के आसपास ही घूम रहा है, और जब ये रिलीज़ हुआ था उस समय इसका प्राइस 54-55 हज़ार के ऊपर समथिंग चल रहा था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कंपनी ने इसके 50% जो है होल्डिंग अपने पास रखी थी, और जब रिलीज़ हुआ, जब इसकी कीमत बढ़ी, तो उन्होंने जो है इसके जो आधे होल्डर्स थे उन्होंने जो है इसको सेल कर दिया। इसके बाद में इसकी कीमत में लगातार जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। और अभी इसके बीच में यहाँ पर जो है मई जून में जब मार्केट क्रैश हुआ था अभी 2020 के अंदर, जब भी इसकी कीमत में वैसा ही क्रैश हमें देखने को मिला था, लेकिन बीच में यहाँ पर एक पंप लगा था जो कि 6,000 के समथिंग यहाँ पर हमें ये कॉइन देखने को मिला था। तो अब जो है जिन लोगों ने इसको हाई लेवल पर जो है बाय कर रखा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको यहाँ पर इसको धैर्य रख कर रखना है अपने पास में, उसको सोल्ड नहीं करना है, बेचना नहीं है। इसलिए नहीं बेचना, देखो यार, क्योंकि आपने 6,000-7,000 में भी अगर इसको बाय करा है तो आज इसकी कीमत 2,000 के समथिंग है, तो अगर आपने 10 शेयर भी इसके अगर जो है टोकन्स लिए थे तो आपका भारी नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि 96% इसका लॉस यहाँ पर देखने को मिलता है जब रिलीज़ हुआ था उसके बाद से आज तक। तो आपको सिंपली होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद में अब मैं बताऊंगा ये आने वाले समय के अंदर जो है कितना ऊपर तक जाएगा और कब तक जाएगा। देखो, मेरी जो खुद की जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, मैंने इसको देखा है इस कॉइन को, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये 2022 के अंदर, 2020 तो एंड हो ही रहा है, दिसंबर आ चुका है, एंड चल रहा है दिसंबर का भी, 2022 के अंदर जो यहाँ पर वेब 3.0 है, जो वेब 3.0 का प्रोजेक्ट है, आपको पता है 3 वेब हुए हैं। वेब 1 के अंदर यहाँ पर जो है ओनली इंटरनेट की वेबसाइट्स ओपन होती थी, वेब 2.0 के अंदर यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें अपलोड होने लगी, यहाँ पर कमेंट सेक्शन देखने को मिले, लाइक सेक्शन देखने को मिले, फोटो इमेज वीडियो में अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिला। वैसे ही अब वेब 3.0 का जो है सीज़न आने वाला है 2022 के अंदर, जैसा भी मेटावर्स का सीज़न आया था, आपने देखा होगा मेटावर्स के कुछ कॉइन है, डिसेंट्रलैंड है, सैंडबॉक्स है, गाला है, इन सब के जो है प्राइस एकदम हाई चले गए थे। वैसे ही यहाँ पर वेब 3.0 का सीज़न आएगा तो इंटरनेट कंप्यूटर का भी प्राइस हाई जाएगा, कन्फर्म एंड 100% जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटर भी उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, वेब 3.0 का ही एक हिस्सा है, जैसे पोर्टल एंड वगैरह जो हिस्से हैं उसी में इंटरनेट कंप्यूटर का भी एक हिस्सा है। तो इसके अंदर इसका जो प्राइस है वो डेफिनेटली पक्का हाई जाएगा, तो आपको होल्डिंग रखना है। और ये मैं आपको जो है मेरे होल्ड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो दूसरे जो कॉइन्स हैं उनके अलावा यहाँ पर जो इसका जो मेन रोल होगा वेब 3.0 के अंदर, और इसका प्राइस लगभग धीरे धीरे बढ़ेगा। आप सोचो कि एक दिन के अंदर जो है $100 हो जाए, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जो है 22 से 23 होगा, 23 से 24 होते होते लगभग $50-60 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा स्टार्टिंग में। और अगर बहुत अच्छी जो है शुरुआत रही तो एंड भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जो कॉइन अपना पिछला जो हाई होता है अगर उसकी सीमा में पहुँच जाता है, पिछले हाई की सीमा में, तो वो उससे भी ज़्यादा हाई जाता है, ये एक बात पक्की है। तो इसलिए आपको इसको यहाँ पर होल्डिंग रखना है, ICP जाएगा, अच्छे रेट में जाएगा,
और अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी पूरा ही मार्केट क्रैश है। आज थोड़ा सा पंप देखने को मिला है 22 तारीख को, लेकिन यहाँ पर अभी इतना पंप देखने को नहीं मिला है, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर पंप मिलेगा, 2022 के अंदर पंप मिलेगा। इसलिए ICP के कॉइन को रखिए, होल्ड करिए। बस आज की वीडियो में इतना ही था, होप है आप सबको जो है यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और ऐसी क्रिप्टो करेंसी के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसी कोई टेक्निकल न्यूज़ आपसे अपडेट छूट ना जाए।